नमस्कार, इंडिया पोस्ट यूपी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। क्या एनडीए में जाने से नाराज हैं जयंत के विधायक? रालौद के 4 विधायक को समाजवादी पार्टी नेता का बड़ा दावा। जयंत चौधरी के समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर एनडीए के साथ जाने से क्या राष्ट्रीय लोकदल के विधायक नाराज हैं? समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री रविदास मल्होत्रा ने आरएलडी के 4 विधायकों को अपने पक्ष में बताकर उत्तर प्रदेश की राजनीतिक हलकों में एक नई अटकलों को जन्म दे दिया है। उन्होंने कहा है कि आरएलडी के ये विधायक राज्यसभा चुनाव में सपा को वोट कर सकते हैं। उधर आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता की ओर से इस पर प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने विधायकों की नाराजगी का खंडन किया है। आप किसी भी मीडिया चैनल ने जो भी इस तरह की खबर निकाली है, मैं नहीं समझता उन्होंने हमारे विधायकों से भी बात की है। मैंने अपने सभी दल के विधायकों से बातचीत की है और बातचीत कार्यकर्ताओं से की है और उसके बाद ये फैसला लिया है। ये फैसले के पीछे ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी प्लानिंग रही हो या बहुत समय से हम यही सोचे बैठे हों। बहुत कम समय में, अल्प समय में फैसला हमें लेना पड़ा, परिस्थितियों के कारण लेना पड़ा और हमने भाव, हमारे कुछ अच्छे हैं देश के लिए, अपने लोगों के लिए, कि हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और जब भारत रत्न से नवाजा गया है, हम सब का मन प्रफुल्लित है। बहुत बड़ा सम्मान सिर्फ मेरे परिवार के लिए का ही नहीं, हमारे दल तक सीमित नहीं है, देश के हर कोने में विराजमान जो हमारे किसान हैं, नौजवान हैं, गरीब लोग हैं, ये उनका सम्मान किया। क्या आज अजीत सिंह जी की जयंती पर उस तारीख की भी आप घोषणा करेंगे, कब आप एनडीए के साथ आधिकारिक रूप से शामिल हो जाएंगे? नहीं, आज की तारीख तो हम मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। प्रसाद ग्रहण कीजिए आप जो। धन्यवाद। दरअसल आरएलडी के एनडीए गठबंधन के साथ जाने के बाद ही पार्टी के कुछ विधायकों के नाराजगी की खबरें चल रही थी। इस बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया कि आरएलडी के 4 विधायक नाराज चल रहे हैं, वो पार्टी के फैसले से खुश नहीं है। सोमवार को समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री रविदास मल्होत्रा ने दावा किया कि आरएलडी के 4 विधायक उनके संपर्क में हैं और वो समाजवादी पार्टी को वोट कर सकते हैं। रविदास मल्होत्रा ने कहा कि जयंत चौधरी ईडी और सीबीआई के दबाव में है, इसलिए उन्होंने इस तरह का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि कितनी अजीब बात है कि विधानसभा में उनके सभी 9 विधायक सत्र के शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे थे, बीच सत्र आते आते बीजेपी के साथ खड़े हो गए। उधर आरएलडी ने अपने विधायकों की नाराजगी का पूरी तरह से खंडन किया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे ने कहा है कि न्यूज चैनल पर जो खबरें चल रही हैं, हमारे कुछ विधायक जयंत चौधरी से नाराज हैं और आरएलडी में घमासान है। आरएलडी का हर विधायक, पदाधिकारी और एक एक कार्यकर्ता जयंत चौधरी जी के हर फैसले में उनके साथ खड़ा है, अफवाहों पर ध्यान न दें। इस बीच खबर आ रही है कि आरएलडी के एनडीए गठबंधन के साथ चले जाने के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर से अधिक सीटों के लिए समाजवादी पार्टी पर दबाव बढ़ा दिया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की ओर से 20 लोकसभा सीटों की मांग सपा से की जा रही है। इस पर रविदास मल्होत्रा ने कहा है कि कांग्रेस की 20 सीटों की लिस्ट पर समाजवादी पार्टी पूरी तरह से सकारात्मक है, सीटों के बंटवारे को लेकर कोई झगड़ा नहीं है। उन्होंने कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और राहुल गांधी इस मामले पर फोन पर बात कर चुके हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस और सपा के बीच सीटों के बंटवारे पर बात लगभग फाइनल हो चुकी है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के उत्तर प्रदेश में पहुंचने पर इसका ऐलान हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट, यूपी उत्तराखंड। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।